नमस्कार। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिल जाता है। आज का विषय है, हम जो भी देते हैं वही हमें वापस मिल जाता है। ऐसा बहुत बड़ा नियम मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरे जन्मदिन को बीते हुए 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं, और इन 24 घंटों में मैंने जो कुछ भी पाया है उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जीवन का बहुत बड़ा नियम अगर हम सब के समझ में आ गया तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है, और अगर नहीं समझ में आया तो बात अलग है। हम जो कुछ भी देते हैं, हो सकता है हम किसी आदमी को अपमानित कर रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, वो गरीब है, कमज़ोर है, हो सकता है आपको जवाब नहीं दे सकते आप पलट करके, लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको भी अपमानित कर सकता है और करेगा ही। ये मेरा जीवन भर का तजुर्बा है। अगर हम किसी को मान सम्मान देते हैं वही आदमी हमें मान सम्मान दे, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वही दे, अधिकतम तो वही बात है, लेकिन हम अगर किसी को मान सम्मान देते हैं तो कोई ना कोई ऐसा भी है जो हमें मान सम्मान देगा, यानी कि हम जो करते हैं वो लौट कर आ जाता है। इस प्रकृति का जो नियम है, जो गणित है, अगर हम इसे समझ गए तो हमारा पूरा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। कल जब मेरा जन्मदिन का शुरुआत हुआ, सुबह से लेकर के जब मैं सुबह जगा था वहाँ से लेकर के अब तक मुझे सैकड़ों या फिर हो सकता है हजार तक लोगों का शुभकामना मुझे मिल चुका है। ये मुझे याद आ रहा कि कल जब मैं सुबह सुबह अपने पिताजी के पास, पहले मैं उनसे मिल करके उनसे आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मैं पढ़ाया, मुझे सैकड़ों बच्चों ने तालियां बजा करके हैप्पी बर्थडे कहा। हर क्लास के बच्चे मुझे पकड़ कर ले गए अपने क्लास में और सभी बच्चों ने मिल करके तालियां बजाई और हैप्पी बर्थडे सर कहा। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों ने मुझे इतना मूल्य दिया है, इतना सम्मान दिया है, उसका कारण भी है। मैंने हमेशा से बच्चों की मदद की है। जब मैं मैट्रिक में था उससे पहले से, अपने मैट्रिक, इंटर और बीएससी के समय में मैं अपने साथियों को पढ़ाया करता था। शायद मैंने सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब मैं क्लास 10 में गया, मैट्रिक एग्ज़ाम में गया, वहाँ से अपने दोस्त को भी पढ़ाना शुरू किया। फिर जब मैंने आईएससी की पढ़ाई की, बीएससी की पढ़ाई की, तो मैं अपने साथियों को भी साथ में पढ़ाया करता था। और अभी भी मुझे जब भी, आज शाम को भी, कल शाम को एक बच्चे का फ़ोन आया था, स्टूडेंट का, कि सर आप पढ़ाएंगे नहीं, और मैंने अपने बर्थडे में बिल्कुल उसको मैसेज कर दिया कल आएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ये बात मैंने देखा कि कल जब स्कूल में मेरे सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे तालियां बजाकर मुझे जन्मदिन का की बधाई दे रहे थे, यहीं से मेरी शुरुआत थी। सबसे पहले मेरे पिताजी का आशीर्वाद, उसके बाद बच्चों की तरफ से ये बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स। उसके लिए मुझे ये नियम याद आ रहा था कि प्रकृति का यही नियम है कि जो दोगे वही वापस मिलेगा। दोपहर होते होते हमने अपने बेटा और बेटी की खुशी के लिए, अपने भी खुशी के लिए, घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। बस 10-12 लोग, क्योंकि 2-3 तो हमारे परिवार के हैं, फिर हमारे भाई के परिवार के हैं। बस इस पार्टी में भी मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि किस तरह से, और दिन भर मैसेज आता था फेसबुक पर, देखा जाए तो सैकड़ों मैसेज थे मेरे हैप्पी बर्थडे के। मैंने भी इन सभी मित्रों को बहुत दिलो जान से चाहा है, और आगे भी मेरा प्रेम बना रहेगा। और फेसबुक पर जितने मेरे बड़े भाई के समान लोग हैं, सभी लोगों ने मुझे विश किया। मैं तो मुश्किल से 20 लोगों को जवाब दे पाया, और बाकी लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे पाया, समय की कमी रहती है। लेकिन ये नियम मेरे बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम जो भी देते हैं वही पाते हैं। शाम होते होते मैंने जब अपने घर में छोटी सी पार्टी की तैयारी कर ली, छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत कर करके मेरे लिए घर को सजा रहे थे, बैलून फुला रहे थे, और तैयारी में सब लगे हुए थे। उन सब को देख करके मैंने कल ही सोचा था कि मैं एक बार आप सभी से ये बात जरूर बताऊं कि हम अगर जीवन में नफरत बांटेंगे तो नफरत ही पाएंगे। फिर जब मेरे पास जो बच्चे भी आए, वो लोग मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर के आए, मैंने गिफ्ट में गौर किया, जो कुछ भी सामान था उस पर मैंने देखा कि ये
सामान्य उनके प्रेम का प्रतीक बनकर के मेरे सामने आ रहा। शाम होने तक उस छोटे से पार्टी में मुझे इस बात का करीब करीब 2 घंटे तक ये पार्टी चली मेरी। हाँ, मैंने अपनी माँ की कमी को बहुत महसूस किया। पिछले साल तक मेरी माँ मेरे साथ थी, पिछले साल के जन्मदिन तक, इस बार मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी। तो मैंने उनको बहुत बहुत याद किया और फिर मुझे हर चेहरे में, या खास करके हर बच्चियों के चेहरे में अपनी माँ दिखाई पड़ी। और मुझे लग रहा था जैसे मेरी माँ ही मेरे लिए हर तरफ से काम कर रही है। इसलिए जीवन में जो हमारा सबसे पहले जो कर्तव्य है, कर्तव्य तो नहीं कह सकता है, प्रेम है, वो अपने माता पिता के लिए। हम अगर माता पिता को बचपन से ही प्रेम देते रहे, चाहे वो कितने भी कठोर हो हमारे लिए, तो माता पिता से हमें प्रेम ही वापस मिलता है। जब मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था, उनके चरण छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था, तो मेरे पिताजी भावुक होकर के रो पड़े। ये है प्रेम। दुनिया में, इस धरती पर आंसू से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, और वो गिफ्ट मुझे मेरे पिताजी ने दिया। उनकी आंखों में आंसू भराए हुए आवाज़ से जब वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैंने कहा कि धरती पर इस आंसुओं से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने जो मुझे उपहार दिया है, अपने आंसुओं का उपहार, भाव विह्वल भावना में डूब करके उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। यही आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सबको भी अपने जीवन में प्रेम ही बांटना चाहिए, है ना। किशोरदा का प्यार बांटते चलो, बहुत बड़ी फिलॉसफी है जीवन की, दर्शन है हम लोग के जीवन का, क्योंकि इसका उल्टा काम मैंने बहुत किया है। हम अगर किसी पर गुस्सा करते हैं, हो सकता है वो सामने वाला कमज़ोर है, बच्चा है, गरीब है, मजदूर है, हम तो उसे बोल देते हैं, क्योंकि अहंकार के वश में आकर के मैंने अपने जीवन में सभी को, सभी मीन्स 100% लोगों को देखा है। अपने से कमज़ोर को लोग दबाते हैं, सताते हैं, बातों से या मारपीट कर या किसी भी तरह से, तब वो भूल जाते हैं कि हमसे भी बलवान धरती पर कोई है, बहुत है, हमसे ज़्यादा बलवान दुनिया में बहुत लोग हैं। अगर हम किसी गरीब को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो हमको भी हिसाब लगाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। और इसका विपरीत बात बहुत ज़्यादा सत्य है कि अगर हम किसी को 10 पैसे जितना प्रेम भी दे सकें, तो 100 पैसे मुझे प्रेम देने वाले दुनिया में बहुत हैं। ये बात मैंने 24 घंटे में महसूस किया। शाम को जब पार्टी चलती रही 9 बजे रात तक, जो कुछ भी प्रेम और जो गिफ्ट, जो मुझे उपहार, एक उपहार तो यही था, चूँकि हम लोगों ने भगवान बुद्ध को बहुत प्रेम किया है, और सोमवार को लाफिंग बुद्धा है, लेकर ना बेटा वहाँ से लाफिंग बुद्धा पूजा के पास है। तो मैं अपने आप को ओशो के शिष्य होने के कारण हमेशा बुद्ध बनने की बात करते रहता हूँ कि मैं एक बुद्ध बनना चाहता हूँ। तो मेरे एक मित्र की तरफ से मुझे उपहार में मिला है लाफिंग बुद्धा, एक बुद्ध को बुद्ध की ही मूर्ति मिली, ये है लाफिंग बुद्धा। ये उपहार के विषय में एक खास बात और कही जाती है कि इसको, लाफिंग बुद्धा को आप खरीद कर लेंगे तो काम नहीं आएगा, लाफिंग बुद्धा हमेशा आपको उपहार में ही मिलनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, घड़ी है, मोबाइल है, ड्रेस है, लाफिंग बुद्धा आप अपने लिए नहीं खरीद सकते, ये आप अपने मित्र को ही गिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे कल ये जब उपहार में लाफिंग बुद्धा मिला, तो मैंने अपने लिए मन में कहा एक बुद्ध को लाफिंग बुद्धा का मूर्ति मिली, मुझे मेरा टारगेट ही जीवन का है बुद्ध बनना, और मुझे ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिली। लाफिंग बुद्धा के विषय में जो थोड़ी सी बातें, जो जानकारी मेरे पास है, वो यही है कि भगवान बुद्ध को भारत में जितनी मूर्ति बनाई गई, जापान, तिब्बत में, सब में उनको बहुत गंभीर दिखाया गया, आंखें बंद, आधी आंखें बंद। और भगवान बुद्ध की ये मुद्रा, कृपया ये बात को ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी अगर जीवन भर अपनी आँखें मूंद कर या आधी आँखें मूंद कर अपने श्वास को देखते रहे, श्वास भीतर गई बाहर आई, श्वास भीतर गई बाहर गई, अगर आप इसी तरह से अपने श्वास को देखते रहे आँख बंद करके, या कभी कभी दिन भर भी खुले आँखों से, बाजार में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं, जब भी आपको फुर्सत मिले, चलते, उठते, बैठते, अगर आपका ध्यान अपने श्वासों पर है, तो जीवन में वो परम लक्ष्य बुद्धत्व या मोक्ष मिलना ही मिलना है, चाहे कितना भी समय लगे। तो इस वीडियो में मैं ये बात को जरूर याद रखना चाहता हूँ कि लाफिंग बुद्धा, चीन में लोगों का मानना था कि बुद्ध हंसते भी थे,
या फिर एक दूसरी मान्यता है कि चीन में ऐसे बुद्ध हुए जो हंसते रहते थे। ऐसी कथा है, या शायद ऐतिहासिक भी हो, कि तीन बुद्ध ऐसे हुए जो बुद्ध मतलब एनलाइटेंड, तीन बुद्ध ऐसे हुए जो हमेशा हंसते रहते थे। उनका काम यही था, कहीं भी बाजार में खड़े हो जाएंगे और तीनों अपने पेट पकड़कर हंसने लगेंगे जोर जोर से बिना कारण, और उनको हंसता देख करके बाजार में खड़े लोग भी धीरे धीरे हंसने लगते थे। यही उनका काम था, जहाँ भी जाते थे हंसते थे और उनके कारण लोग हंसते थे। तो बस ये तीन लाफिंग बुद्धा, ये चारों तरफ उनका बाजार में घूमना, जहाँ भी 10 लोगों को देखा उन्होंने कि तीनों हंसना शुरू कर देते थे और उनको देख कर लोग हंसने लगते थे, क्योंकि उनका यही संदेश था कि खूब हंसो, ईश्वर ने जीवन दिया है, आकाश वायु जल दिया है, हंसने की बात है। एक दिन उन तीन में से एक बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब उसके मरने पर उसने एक चिट्ठी लिखी थी मरने से पहले, क्योंकि बुद्ध वो होता है जो अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो उस बुद्ध ने एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे कपड़े मत उतारना, मुझे जलाते समय मेरे कपड़े मत उतारना। तो उनके बाकी दो दोस्त थे हंसने वाले, उन लोगों ने इस चिट्ठी को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भाई मेरे कपड़े मत उतारना। दोनों ने कहा ठीक बात है, और जब गांव के लोगों को पता चला कि वो तीन में से एक बुद्ध मर गया है, तो सभी गांव वाले कह रहे थे कि आज वो बाकी दोनों हंस नहीं रहे होंगे क्योंकि उनका दोस्त मर गया है। पूरे गांव को यही आशंका थी कि बाकी दोनों बुद्ध नहीं हंस रहे होंगे क्योंकि उनका दोस्त मर गया है। लेकिन जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो हैरानी की बात ये थी कि बाकी दो बुद्ध भी हंस रहे थे। लोगों ने कहा अरे हद हो गई, इसका दोस्त मरा ये हंस रहा है। तो लोगों ने पूछा भाई हंस क्यों रहे हो, तो बाकी दोनों दोस्तों ने लाफिंग बुद्धा ने हंसते हुए कहा कि बड़ा धोखेबाज निकला, हम लोग को छोड़ के आगे निकल गया, और ऐसा बोलकर फिर दोनों हंसने लगे। इसको देखकर गांव के लोग भी हंसने लगे। फिर उसको जो बुद्ध मर गया था उसको लेकर के उन लोगों ने चिता पर चढ़ाई और आग लगाया, तो उसने अपने कुर्ते के अंदर 20-50 फुलझड़ी छुपा रखा था, यानी पटाखे फुलझड़ी अपने कपड़े के अंदर छुपा छुपा करके उसने रखा था, और तब वो मरा था, और लिखा था कि मेरे कपड़े मत उतारना। तो लोगों ने तो उसको आग पर चढ़ा दिया, और जैसे ही चिता को आग लगाई गई वो पटाखे फूटने लगे, फुलझड़ियाँ उड़ने लगी, पूरे गाँव के लोग हंसने लगे, और ये दोनों बुद्ध भी हंसने लगे कि देखो कितना बदमाश है, कितना शरारती है, मरा भी तो लोगों को हंसाते हुए गया। सभी लोग हंस रहे थे कि देखो कैसा आदमी है कि मर भी गया तो पटाखे छुपा के मरा ताकि लोग उसके मरने पर भी हंसे। तो ये लाफिंग बुद्धा को लेकर के मैं आप सबको पहली बात तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में हास्य हो, हंसी हो, हम हंसे, खूब हंसे, किसी दूसरे पर नहीं हंसे, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं हंसे, किसी पर व्यंग करके नहीं हंसे, बस हंसे क्योंकि जीवन उत्सव है। एक बात और कही जाती है लाफिंग बुद्धा के बारे में कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जब अपने घर में रखते हैं तो अपने घर में हो सके तो भीतर की तरफ इनका फेस करके रखिए, और आते जाते इनके पेट को सहलाना है 5 बार या जो भी आपकी इच्छा है, और ऐसा मैसी मान्यता है कि अगर आदमी इनके पेट को सहलाए तो उसे धन मिलता है। धन मतलब प्रकृति की बहुत सारी सुविधाएं आपके हाथ में। तो मैं बहुत पहले जब मेरे पास लाफिंग बुद्धा पहले भी थे तो मैं इनके, जब मुझे लगता था मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं इनके पेट सहलाता था और निकल पड़ता था ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उस दिन मुझे पैसे मिलते भी थे। चलिए तो संयोग की बात है। तो लाफिंग बुद्धा को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इनकी पूजा करें या ना करें, इनका पेट जरूर सहलाइएगा ताकि ये और हंसे, और ये हंसेंगे तो आप हंसेंगे। तो चलिए आज मैं बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ, और एक बार और आपसे कहना चाहता हूँ कि रात को खुशी के बारे में मुझे नींद नहीं आई। मैं तो तुलना करना बुरी बात है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इन 50 वर्षों में जितनी बार भी अपना जन्मदिन मनाया है, दिस वाज द बेस्ट। कल जो जन्मदिन मैंने मनाया है ये मेरा बहुत ही सुंदर बर्थडे था, वैसे भी ये गोल्डन जुबली था। मैंने 50 वर्ष पूरे किए। एक मेरे बड़े भाई हैं श्री तेज प्रकाश मिश्रा, उन्होंने पूछा कि 50वां जन्मदिन या 50 वर्ष पूरे, और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो मैंने उनको बताया 50 वर्ष पूरे, क्योंकि पहला जन्मदिन तो वही है जिस दिन हम जन्म लेते हैं, और 1 साल के बाद जो आएगा वो दूसरा जन्मदिन होगा। उस हिसाब से तो कल मेरा 51 51st
51वां जन्मदिन था, लेकिन अगर वर्ष की काउंट करें तो कल मैंने 50 वर्ष पूरे किए। बहुत उत्साहित था, बहुत खुशी थी मुझे कि मैंने 50वां वर्ष, जिसको मैंने गोल्डन जुबली नाम दिया था, गोल्डन जुबली बर्थडे पर मुझे बहुत खुशी मिली है। मैंने अपने पिछले 50 जन्मदिन में, कल जो मैंने जन्मदिन मनाया है वो मेरा बहुत ही महानतम और सुंदर था। वैसे तुलना करना बुरी बात है, मुझे इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद इस खुशी के बारे में मुझे रात को बहुत देर तक, शायद घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक नींद नहीं आई थी। खुशियाँ भी जगाती हैं और दुख भी जगाते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश था कि लोगों ने मुझे, हजारों लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। मेरे वीडियोज मैंने देखे, 80-90 से ज़्यादा व्यू था यूट्यूब पर, जिसको देख के मुझे लगा था कि 80-90 लोगों ने मुझे समय दिया। मेरा एक एक वीडियो जो भी था, 2 मिनट 6 मिनट जैसा भी था, 12 मिनट, लोगों ने मुझे समय दिया। मैं बहुत ही आप सबका आभारी हूँ। जो कोई भी मेरे से वीडियो को देख रहे हैं उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से फिर वही विनती करता हूँ कि अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कृपया इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो बनाने का दो मकसद है। हमें वही बांटना चाहिए जो हम पाना चाहते हैं, हमें खुशियाँ ही बांटनी चाहिए ताकि हमें जीवन में खुशियाँ मिलें, और हम खुशियाँ ही चाहते हैं। और मैंने जीवन भर, इससे पहले आप बता दो कि मैंने जीवन भर बहुत गलती की है, मैंने बहुत दुख बांटे हैं, बहुत गुस्सा दिखाया है, अहंकार किया है, और उतना वही वापस लौट के मेरे पास आया है। इतना ही नहीं, ओशो तो ये भी कहते हैं कि हम जो देते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। अगर हम किसी गरीब को एक थप्पड़ मारते हैं तो जीवन में किसी दिन 4 थप्पड़ खाने पड़ सकते हैं, और पड़ेंगे ही प्रकृति के नियम के अनुसार। कौन सही है कौन गलत है वो तो परिस्थिति का जजमेंट होगा, लेकिन हम अपने जीवन में जितना किसी को प्रेम देंगे उससे कई गुना प्रेम हमें मिलेगा, या तो उसी से या किसी और से। ये बात बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि हम अपने आसपास से लेकर अनजान लोगों तक जितना भी प्रेम देंगे उससे कई गुना प्रेम हमें वापस मिलेगा, या तो उसी से या किसी और से। और इसके विपरीत, हम जितना भी घृणा और नफरत फैलाएंगे हमें भी उससे बढ़कर नफरत और घृणा वापस मिलेगी, जो हमें सहना पड़ेगा। और आज के वीडियो बनाने का मेरा दूसरा मकसद यही था कि सुबह हो या रात, आंखें मूंद करके अपने श्वास को आते जाते देखिए, इसी में सब हो जाएगा। मेरे गुरुदेव ओशो की माता जी कहती है, बस श्वास को देखते रहो, सब हो जाएगा। ये बहुत अजीब सा बात है, इस वीडियो को बनाते समय ये मेरा, समझिए कि एक ऐसा वीडियो है जब मैं यही क्रांति लाना चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक व्यक्ति जब भी रहे, जहाँ भी रहे, अगर कुछ विशेष काम नहीं कर रहा हो तो अपने श्वास को देखते रहे। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में कि हे देवी, सांसारिक कामों में लगे हुए अपने आती जाती श्वास पर ध्यान दो। यही ध्यान विधि आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जितने लोगों ने मेरे वीडियोज को देखा, अब तक मेरे 600-700 वीडियोज हैं मेरे, इसमें मैं बार बार जब ध्यान की चर्चा करता हूँ तो लोग सोचते हो कि करें क्या ध्यान में। और मेरे दर्शक हो सकता है ओशो के वीडियो को नहीं देखते हो, या और भी गुरु हैं जिन्होंने अपने ढंग से ध्यान सिखाया है। मेरे हिसाब से सबसे सरलता से ओशो ने ध्यान सिखाया है, और अगर आप ओशो से न सुन सके तो आप मुझसे ही सुन लीजिए। और मैं फिर कहूँगा कि ओशो से ही सुनिए कि ध्यान में आपको इतना ही करना है कि सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके आसन में बैठ जाइए, सुख आसन में बैठिए और अपनी आती जाती श्वास को देखिए। मन कितना भी भटकता है, भटकने दीजिए, आप बस देखते रहिए कि हाँ मन भटक रहा, उसका कॉपरेट नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है, और उसका विरोध तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर मन का हम विरोध करेंगे तो आपसे कई गुना तेजी से वो फिर भागेगा। उसे न रोकना है और न सहयोग करना है, मन को देखते जाइए और अपनी जो नज़र है, अपना जो ध्यान है वो श्वास पर लगाए रखिए। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब सुबह या रात अपने श्वास को आते जाते देखते रहिए। लेकिन ओशो ने वार्निंग दिया है कि कृपया रात को ये श्वास वाला ध्यान नहीं करें, क्योंकि ध्यान करने से, श्वास का ध्यान करने से आप में जागरण आ जाता है, और जागरण के लिए ही तो हम ध्यान करते हैं। जीवन में जागरण आना मतलब अपने क्रोध के प्रति सजग होना, अपने लालच के प्रति सजग होना, अपने अहंकार के प्रति सजग होना, अपने वासना के प्रति सजग होना। सजग होने के लिए तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन रात को अगर आपने ये श्वास पर ध्यान किया और आप अगर सजग हो गए तो आपकी नींद उड़ सकती है, शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि आपको नींद नहीं आएगी।
और आप परेशान हो जाएंगे, कल मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं तो कम से कम रात को श्वास वाला ध्यान नहीं करता हूँ। और उसने कहा है रात को नहीं करो, रिलैक्स होकर सो जाइए, वही काफ़ी है। लेकिन सुबह 1 घंटा अगर बैठ कर कोई अपनी श्वास को देखता रहे तो क्या होगा? मैं अपने तरफ से कहता हूँ क्या होगा। हम सब जिन 5 समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित हैं, जिसमें से एक क्रोध है, क्रोध हमें जब परेशान करता है तो हम तो दूसरे को परेशान करते ही हैं, लेकिन पहले खुद परेशान होते हैं। ऐसा कोई क्रोधी आदमी होता ही नहीं है जो पहले खुद नहीं जलता हो, दूसरे तो बाद में जलेंगे। क्रोध से दूसरे को नुकसान हो या ना हो, आपको जरूर होता है। और जिसका क्रोध जब उगता है तो हमारे पेट में ऐसे ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो हमारे पेट को, पाचन शक्ति को खराब करते हैं। क्रोधी आदमी का पेट खराब होगा ही होगा। तो चलिए, मैंने ध्यान करने के लिए आज आप लोग को इसलिए सजेस्ट किया कि क्रोध आएगा, लेकिन उसके नियंता आप होंगे, उसके साक्षी आप होंगे, उसका उपयोग या दुरुपयोग पर आपका नियंत्रण होगा। कहीं कहीं क्रोध उपयोगी है, वो लंबी बात हम कभी और करेंगे। तो चाहे वो बात क्रोध की हो, चाहे वो बात लोभ की हो, चाहे वो बात अहंकार की हो, चाहे वो बात ईर्ष्या की हो, चाहे वो बात काम की हो, हमारी कोई भी समस्या है, अगर हम लगातार अपने श्वास को देखते रहें तो ये सारी समस्याएं हमें परेशान नहीं करेगी। शायद धीरे धीरे वो शून्य होकर गायब हो जाएगी। बस हमें सिर्फ अपने आती आती श्वास को देखना है। तो आज जो बात मैंने जहाँ से शुरू की थी, वहीं मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि हम लोग इस प्रकृति में जो कुछ भी देते हैं वही वापस मिलता है। जहर देंगे तो हमें भी जहर मिलेगा, अमृत देंगे तो हमें भी अमृत मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और प्रणाम, धन्यवाद।